आज बना रही हूँ मैं, ये दूधी काटी है मैंने, ये दूधी के भजी बना रही हूँ। ये देखो, ये रहा बेटर और यहाँ तेल और ये रहा पहला भजी। बिस्मिल्लाह मानी रही। इस तरीके से ये बने भजे, देखो मस्त है ना, दूधी के भजे बहुत अच्छे लगते। अस्सलाम वालेकुम। वीडियो बहुत लेट चालू कर रही हूँ, अभी 8:15 हो गए हैं और अभी मैं थोड़ी सी तैयार हो गई। तैयार बोले तो क्या, काजल लिपस्टिक हो गया पर अब बहुत अच्छा लग रहा है, इतने दिन बाद हल्की सी लिपस्टिक लगाई है तो। और अभी जाना है थोड़ा सा बाहर, कुछ लेना है, उसकी वजह से। देखा मैंने दानिश को कहा था मेरा मोबाइल चार्ज को लगाओ, लेकिन नहीं, कैसे ना, तो बाहर जा रही हूँ। वो बाहर क्या क्या करेंगे वो सब तो आपको बता ही दूंगी, है ना। और आज मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, ये नेट का दुपट्टा है ना, तो वो थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा है, ठीक है, लेकिन है ना, कैसा लग रहा है और हाँ, आज मैंने चेंज कर दी है, अच्छी लग रही है ना, ये भी मुझे बहुत अच्छी लग रही है स्पेशली। तो दानिश तो ऑलरेडी नीचे जा चुके हैं, मुझे थोड़ा सा बच्चों का पटानी था वो करूंगी। छुट्टी चला जा, इनको खाना पानी यहाँ रखना है, ध्यान लगवा के रखना है उनका तो पहले देखना पड़ता है ना मुझे। बहुत अच्छा लग रहा है सच में, मैं पहले बच्चों का पटाती हूँ फिर मिलती हूँ। कल ना मैं इंजेक्शन के बाद इतना डर गई थी ना, कि वो डर मेरे दिल में इतना है ना, पता नहीं क्यों, लेकिन उसके बाद मुझे ना इंजेक्शन लेने की का जो डर की वजह से मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, तो ये सब हो गया। और सच में पता नहीं क्यों मुझे बहुत डर लगता है फाइनली हो गया, अभी मुझे अच्छा भी लग रहा है। इसके लिए फिर मैंने कोई शूट नहीं किया था, बोलो अच्छा लग जाए फिर मुझे अच्छा लगेगा। और फिर मुझे थोड़ा सा कमर दर्द भी हो रहा था, वो सब भी था आज, इसके लिए मैंने सोचा नहीं। और लेकिन ऐसा कौन कौन है जो अभी भी डॉक्टर से डरता है कि मैं ही हूँ, ऐसा कुछ नहीं है ना मुझे पता नहीं, टेब मतलब कोई भी दवा अच्छी नहीं लगती, इंजेक्शन अच्छा नहीं लगता, मतलब डॉक्टर बोले तो मुझे चाहिए ही नहीं, ऐसा है मेरा, पता नहीं अल्लाह करे कि ये टाइम कभी ना आए किसी के ऊपर भी, क्योंकि सच में बहुत डर लगता है। मैं डर की वजह से मतलब मेरी तबीयत खराब हो गई, लेकिन अभी अच्छा है सब कुछ, तो मैंने सोचा चलो थोड़ा सा बाहर पढ़ना चाहिए, क्योंकि रमजान वैसे भी 15 हो चुके हैं अभी, तो उसी हिसाब से हमने सोचा थोड़ा सा बाहर पढ़ते, थोड़ा सा कुछ लेते। अल्लाह एक चीज भूल गई देखा, जलवाजी ऐसी रहती है फिर बाद में याद आता। वैसे मुझे तो कुछ खास शॉपिंग करनी है नहीं, क्योंकि मेरी ईद की शॉपिंग भी हो गई है, क्योंकि आप लोगों को पता है ना, मैंने इससे पहले दिवाली से लेकर सद्दू के यहाँ मतलब लड़की की जो शादी थी वहां तक मैंने कितनी सारी शॉपिंग की थी, तो कैसा तुरंत तो रमजान आना ही था, फिर रमजान में कैसा कपड़े सीकर मिलते हैं नहीं मिलते, तो उस चक्कर में मैंने ना एक साथ बहुत सारे ड्रेस सी लिए थे, जिसकी वजह से मुझे अभी रमजान के लिए कोई टेंशन ही नहीं है, तो वो एक अच्छी बात है। हम चलते हैं बाहर, मिलते रहेंगे, ठीक है इंशाल्लाह। दानिश चाबी भी लेकर गए है, मैंने उनको कहा था तुम चाबी लेकर जाओ, चलो अभी चलते हैं। बहुत ऊपर गई है, हालांकि मैंने कान में उधर कुछ पहना ही नहीं है, भूल गई मैं अभी याद आ रहा है कि मैंने कुछ पहना नहीं है। टाइमिंग बढ़ गया, बोलो अभी कलेक्शन बहुत अच्छा है, अपन फंस गए मुझे लगता है। हाँ वो ज्यादा अच्छा लग रहा है, पेन की देखू मैं, ये साइज छोटा लग रहा है मुझे।
सात नंबर है ना तेरा, निकाल को नको तो इसका मेरा कितना आया था, मेरा 34 था ना, पीछे वही पीछे अलग है, हमें लगा पीछे सेम है। 38 है क्या? दानु ये वही है, उंगली बाहर आएंगे आगे से देखना लाल के। और बड़ी ये कैसे लग रही है, मामू भी माशाल्लाह बहुत अच्छे लग रहे हैं। यहाँ कितने टाइम बाद आया, पर महीना हुआ होगा ना, एक महीने के बाद आए हम यहाँ सैंडविच खाने के लिए। हमारी फेवरेट जगह है ये, दानिश ले रहे हो मेरा है, दानिश का गरम आएगा रोस्ट। मैं अकेले ऊपर आई थी क्योंकि बच्चों का चिकन, हाँ एक्चुअली चिकन लेने के लिए गए थे, नीचे से ही लाने वाले थे, लेकिन अभी वो तौरा में जाते हैं ना, तो उसकी वजह से चिकन का शॉप जो थी वो बंद हो चुकी थी। इसके लिए आखिर दानिश को बोला तुम रुको, तुम गाय के लिए ऊपर आते हैं ना, मैं फटा से जाके चिकन लेकर आती हूँ। ऐसा करके ना दीप भी चली गई, मुझे लगा था कोई बुलाएगा नहीं तो फटाक से आऊंगी। अरे रहा मेरा पापा जो कि बहुत नींद में था ना, बहुत नींदू में था ना। लल्ला आया ना पीछा करने का हमारा, मैं भी आऊंगा। अरे कितना नींद में, देखो आइसक्रीम खाएगा ना मेरे पापा के लिए, फिर पापा की फेवरेट वाली आइसक्रीम लाई है छोनी, चलो आ जाओ। आइसक्रीम किसको किसको चाहिए, इनको ना वो वाली मलाई कुल्फी बहुत ज्यादा पसंद आई है, तो मैंने सोचा कि वही ले लेती हूँ। चलो मेरे पापा आइसक्रीम खाएंगे ना, आइसक्रीम दो ही लोग खाते, पुचू को लल्ला छोटी नहीं खाती ना, खाना नहीं क्या अभी खाना नहीं, चलो आ जाओ आइसक्रीम, नीचे जो बैठेंगे अपन नीचे बैठेंगे। आज पैकिंग मस्त मैंने करके ली है खुद, वरना ऐसी पैकिंग नहीं आती इसकी, ये देखो ऐसे ग्लास में डाल के और पैक करके लिया था, मस्त अच्छी है। ये वाली आइसक्रीम मेरे बच्चों को बहुत पसंद है। हाँ तो अभी फ्रिज में रखी थी ना अपन ने, इसके लिए मैं ऊपर आई ना चिकन लेने के लिए, तो मैं फ्रिज में फटाक से रख कर गई थी। एक दो ये और दो ये, ऐसे चार कुल्फी लेकर आई मैं। चलो कौन खाएगा, ये थोड़ी पिघल गई है और दब भी गई, इसमें का इनको दे देती थी। चलो आ जाओ, चलो लाओ तो नीचे देख क्या निकाला। चलो आइसक्रीम कौन खाएगा, भी ऐसे फ्रिज में डाल देती। छोनिया लल्ला आजा जल्दी, देख 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 देख, ये देखो ये देखो, लेके से आइसक्रीम देख रहा है, कैसे देखो कैसे देख ले पापा, आजा आजा आजा, चल मैं खिला देती, आजा मैं नहीं खिलाऊंगी ना तब तक वो खाएगा भी नहीं, आजा देख अभी खाएगा कैसा देखो देखा, उसको उंगली की आदत है ना। चल आजा पास आजा पास आजा, देखो देखो कैसे पापा मेला काल है, आज के लिए खाएगा मेला छोना, छोनी आ जल्दी आ। अरे पापा तुझे पसंद है ना ये बेस्ट आइसक्रीम है। हाँ देखो खाने लग गया, देखो मेरा बच्चा, छोनी आ जल्दी तू भी आ चल, पापा ऐसा डायरेक्टली खाने का ना, इससे इससे खाने का ना, उंगली की क्या जरूरत है छोना,
अले अले हम लोग आ गए, सब कुछ हो गया है और मैंने बाहर सिर्फ सैंडविच खाया, बाकी बादाम शेक और बर्फ गोला ये दो चीज़ दानिश नहीं खाई। मैंने थोड़ा सा टेस्ट किया क्योंकि डॉक्टर ने वैसे भी मुझे ठंडा मना किया है और आप सबको पता है मुझे ठंडा वैसे भी पसंद नहीं है और मैं नहीं खाती हूँ, तो इससे मैंने कुछ नहीं लिया और बच्चों लोग के लिए चाय आइसक्रीम लाए बस। बाकी जो रही मेरी शॉपिंग, तो मैं शॉपिंग बताती हूँ कि मैंने क्या लिया। सबसे पहले एक क्लिप बताती हूँ, मैंने ये क्लिप लिए हैं और अच्छे लगे है ना, ये क्लिप लिए वहीं से। और मैं एक स्पेशल मेरे घर के अंदर की पहनने वाली चप्पल ना वो लेने के लिए गई थी, तो ये चप्पल हमने ली, लेकिन अभी ये चेंज करनी पड़ेगी। क्यों पता है क्या, कि ये जो पट्टा है ना वो बहुत टाइट है, लेकिन घर पे आने के बाद पहनी ना तब समझ में आया कि नहीं इसको डेली यूज़ में पहन नहीं सकती मैं, तो इसके लिए मुझे ये रिटर्न करनी पड़ेगी, तो इसको मैं एक्सचेंज करूँगी और ऐसे ही सेम लूँगी, लेकिन ये पट्टा नहीं रहेगा उसमें। इस तरीके से रहा आज का सब कुछ, ये कुछ प्लान नहीं किया था, बस मन किया कि घर की चप्पल मुझे लेनी थी, तो टाइम था, सब कुछ हो गया था, तो सोचा चलो बाहर पढ़ते, बहुत टाइम हो गया बाहर नहीं पढ़े। और अभी नेक्स्ट जाना है, नहीं वो बात की बात बाद में ही रहेगी, तो अभी ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगी। अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा।